मोदी को लेकर हिंदुस्तान में किस कदर दीवानगी है, इसकी और बानगी नजर आई है। पीएम मोदी के अपील पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है और आंकड़ा महज पिछले 1 साल का है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्षम लोगों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में सक्षम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। तब से 1,06,303 एलपीजी ग्राहकों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है। इससे सरकारी खजाने को कुछ हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। फिलहाल साल में ग्राहक 14.2 किलो 12 सिलेंडर या 5 किलो के 34 सिलेंडर सब्सिडी दर पर लेने के हकदार हैं। फिलहाल सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 419.13 रुपए में जबकि 5 किलो का 155 रुपए में उपलब्ध है। वहीं बाजार मूल्य पर 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 509.50 रुपए पर उपलब्ध है। सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर छोड़ने से सरकार के सब्सिडी बिल में बचत होगी। पिछले साल इस पर सब्सिडी खर्च 30,000 करोड़ रुपए था। ग्राहक वितरकों को लिखित में अनुरोध कर सब्सिडी छोड़ सकते हैं, साथ ही वो myhelp.in पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी ये विकल्प चुन सकते हैं। ये जादुई आंकड़ा सामने आने के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि हिंदुस्तान के लोग अपने पीएम को कितना पसंद करते हैं और उनकी अपील पर भी पूरी तरह अमल करते हैं। आइए आपको भी आखिरी पीएम मोदी की उस अपील को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सक्षम लोगों से एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। ये 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा, किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा, जिसने भी ये काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और ये जो सिलेंडर बचे हैं उस सिलेंडरों से हम पैसे बचाना नहीं चाहते, हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आज वो धुएं में चूल्हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है उसको कोई राहत मिल जाए, उसके बच्चों को आरोग्य का लाभ मिल जाए। गरीब के घर तक गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे, इसका हमने अभियान चलाया है।